आधार कार्ड आज हर व्यक्ति की पहचान बन चुका है। देश में लगभग हर एक सरकारी काम को करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर भी आपके मन में बहुत सी शंकाएं आती होंगी। जैसे अगर आप किसी को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते हैं तो कहीं आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी से कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना कर ले, कहीं कोई आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी की मदद से किसी बैंक में खाता ना खुलवा ले। तो आज हम आपको इन्हीं परेशानियों का समाधान बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप आधार कार्ड से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें। आपको बता दें कि सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी या ओरिजिनल आधार कार्ड से किसी भी बैंक में खाता नहीं खुलवाया जा सकता। बैंक में खाता खुलवाने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है और वेरिफिकेशन पूरा करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर किसी ने अपने आधार कार्ड की कॉपी से खाता खुलवा भी लिया तो इसे बैंक की गलती माना जाएगा, आधार कार्ड धारक की नहीं। इसके साथ ही कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। आप जब भी किसी भी जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो उसे चेक की तरह क्रॉस करके दें। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके आधार कार्ड से फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो आधार कार्ड क्रॉस होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर फ्रॉड से भी बच सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर, OTP, पासवर्ड या पिन साझा करने से बचें। UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक आधार नंबर से किसी शख्स की पहचान चुराकर उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। आधार प्लेटफॉर्म पर हर दिन लगभग 3 करोड़ आधार नंबर को अलग अलग सेवाओं के लिए प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सिस्टम में लगातार बदलाव किए जाते हैं और नए सुरक्षा उपायों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप अपनी निजी जानकारियों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतते हैं तो किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं।